जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। छत्तीसगढ़ में चलाया गया एक बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन। इंडियन एयरफोर्स को नोएडा बेस फॉर्म ने डिलीवर किया एक स्पेशलाइज्ड फायर फाइटिंग व्हीकल। गगन शक्ति एक्सरसाइज के हिस्से के तौर पर इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स लैंडिंग और टेक ऑफ को परफॉर्म करेंगे मल्टीपल हाईवे से। नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट फायर करी एक ब्रांड न्यू हाइपरसोनिक मिसाइल। और एससीओ मीटिंग में एनएसए अजीत डोभाल ने पाकिस्तान के क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को किया हाईलाइट। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में स्पेसिफिक इनपुट्स के आधार पर एक एंटी नक्सल ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और इस ऑपरेशन में डीआरजी, सीआरपीएफ, एसटीएफ और कोबरा कमांडोज की टीम शामिल थी। और 3 दिन लंबे इस ऑपरेशन के दौरान कल 2 अप्रैल को नक्सल्स के साथ एक भारी मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में दोनों ही तरफ से लगातार फायरिंग भी हुई। और अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एंटी नक्सल ऑपरेशन में कई सारे नक्सल्स को ढेर किया गया है, जिनमें से 13 नक्सल्स की बॉडीज अभी तक रिकवर कर ली गई है और उनमें से एक फीमेल भी है। और इनके पास से भारी मात्रा में आर्म्स एंड एमिनेशंस को भी रिकवर किया गया है। और जबकि सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और जो वेपन्स रिकवर किए गए उनमें एक एलएमजी, एक .303 राइफल, एक 12 बोर की गन, काफ़ी बड़ी संख्या में ग्रेनेड लॉन्चर्स, उनके शेल और ऐसी बाकी के आर्म्स एंड एम्यूनिशंस शामिल हैं। इंडियन एयरफोर्स को एक नोएडा बेस्ड एमएसएमई फर्म की तरफ से पहला क्रैश फायर टेंडर डिलीवर किया गया है। और इस क्रैश फायर टेंडर की डिलीवरी को लेकर जो इंडियन एयरफोर्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है तो उसमें यह कहा गया कि ये जो क्रैश फायर टेंडर है इसे इस नोएडा बेस्ड इंडियन एमएसएमई फर्म ने स्वदेशी तौर पर डिजाइन और डेवलप किया है और इस तरह के और भी सिस्टम्स की डिलीवरी इंडियन एयरफोर्स को होनी है, जिसके लिए 291 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था। और इनकी जो डिलीवरी है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 14 महीनों के अंदर शुरू होनी थी और जिसे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने डिलीवर करके सुनिश्चित किया है। और ये भी कहा गया कि इसकी टाइमली डिलीवरी एक ऐसे समय पर अचीव की गई है जब दुनिया भर में अलग अलग इश्यूज के चलते ग्लोबल सप्लाई चेन में मल्टीपल डिसरप्शंस हो रखे हैं। पहले तो आपको ये बता देते हैं कि जो क्रैश फायर टेंडर होता क्या है। तो आसान शब्दों में क्रैश फायर टेंडर एक स्पेशलाइज्ड फायर फाइटिंग व्हीकल हुआ जिसका इस्तेमाल मिलिट्री एयरबेसिस, एयरपोर्ट्स, तो इन जगहों पर मौजूद एयरक्राफ्ट में आग लगने वाली स्थिति में उस आग को बुझाने के लिए किया जाता है। और बाकी अगर आपके मन में यह प्रश्न आ रहा है कि एयरपोर्ट में जो ये फायर फाइटिंग व्हीकल इस्तेमाल किए जाते हैं जिन्हें खास तौर पर क्रैश फायर टेंडर के तौर पर जाना जाता है और वहीं जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा फायर फाइटिंग व्हीकल इस्तेमाल किए जाते हैं तो इन दोनों में कोई डिफरेंस होता है या फिर एक ही है, तो देखिए दोनों ही फायर फाइटिंग व्हीकल्स हैं, दोनों का ही काम है आग को बुझाना। लेकिन हाँ, इन दोनों में काफ़ी फर्क होता है और फर्क ये है कि एयरपोर्ट में जब आग लगती है खास करके एयरक्राफ्ट में तो वहाँ पे कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको सिविलियन कंडीशंस में नहीं मिलेंगे और एक स्पेशल फैक्टर एयरक्राफ्ट के अंदर इस्तेमाल होने वाला एविएशन फ्यूल। और इसलिए एयरपोर्ट की जो स्पेशलाइज फायर फाइटिंग व्हीकल्स होते हैं तो वो सिविलियंस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले फायर फाइटिंग व्हीकल्स की तुलना में ज़्यादा तेजी से रिस्पॉन्ड दे सकते हैं और उनको यूज़ करने के टैक्टिक्स और प्रोसीजर्स सिविल वाले फायर फाइटिंग व्हीकल्स से काफ़ी अलग होती है। और अब आते हैं इंडियन एयरफोर्स के इस क्रैश फायर टेंडर पर जो कि इंडियन एयरफोर्स को अब डिलीवर हुआ है। तो एयरफोर्स द्वारा ये तो कहा गया कि जो व्हीकल है ये भारत में ही स्वदेशी तौर पर डिजाइन और डेवलप्ड है और व्हीकल के आगे जो नाम लिखा हुआ है वो है भारत पैंथर। लेकिन इसकी जो फोटो सामने आई है उनको देखकर आप कह सकते हैं जो ये व्हीकल है असल में ऑस्ट्रियन ओरिजिन का पैंथर व्हीकल ही है, यानी कि इसके लिए कहना सही रहेगा कि इन्हें भारत में असेंबल किया गया है। बाकी भारत में इनको असेंबल करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए स्वदेशी कंटेंट कितनी मात्रा में इस्तेमाल हुआ है तो उसके बारे में फिलहाल ऐसी कोई डिटेल देखने को नहीं मिली है। इंडियन एयरफोर्स अपनी ऑन गोइंग गगन शक्ति एक्सरसाइज के हिस्से के तौर पर देश भर के हाईवेज में बने इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटीज से भी अपने फाइटर एयरक्राफ्ट और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की लैंडिंग और टेक ऑफ ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगी। और इसी के तहत पहले जम्मू कश्मीर में बनी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटीज से लैंडिंग और टेक ऑफ ऑपरेशंस को प्लान किया गया। फिर इसके बाद 7 अप्रैल को लखनऊ के पास इसी तरह का एक और ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। और इंडियन एयरफोर्स अपने सुखोई Su-30 MKI, मिराज 2000 और ऐसी अदर एयरक्राफ्ट के साथ C-130J सुपर हरकुलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय करने की योजना बना रही है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि लक्षद्वीप तट पर भारत द्वारा 2 दिन की कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज जिसका नाम है सागर कवच, तो इसे आयोजित किया गया था। और इस एक्सरसाइज में इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, मरीन पुलिस, फिशरीज, कस्टम्स और बाकी की सिक्योरिटी एजेंसीज शामिल हुई थी। और जब किसी तरह से इंडियन एयरफोर्स की ईस्टर्न एयर कमांड और इंडियन आर्मी की गजराज कोर ने एक जॉइंट ट्रेनिंग को कंडक्ट किया था और जिसमें स्पेशल ऑपरेशंस के लिए स्किल्स को और इम्प्रूव किया गया और इस ट्रेनिंग के दौरान आपसी तालमेल को और बढ़ाने के लिए मॉडर्न टेक्निक्स का भी इस्तेमाल किया गया था। और जबकि इसी तरह से इंडियन आर्मी की वेस्टर्न कमांड द्वारा भी मल्टीपल एरियल और ग्राउंड टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए प्रिसाइज इंगेजमेंट और प्रिपेयरनेस का डेमोंस्ट्रेशन दिया गया और इस ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान इन हाउस डेवलप किए गए GPS बेस्ड एरियल टारगेट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। और खैर, बाकी अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पर जाकर नए डिज़ाइंस को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और स्पेशल डिस्काउंट के लिए स्पेशल कूपन कोड याद रखें PKMKV।
नॉर्थ कोरिया की तरफ से क्लेम किया गया कि उन्होंने अपने एक ब्रांड न्यू हाइपरसोनिक इंटरमीडिएट रेंज की मिसाइल को सफलतापूर्वक टेस्ट किया है, जो कि सॉलिड प्रोपेलेंट्स का इस्तेमाल करती है और उनकी ये मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी करने में सक्षम है। और नॉर्थ कोरिया का दावा है कि उन्होंने इसे खास तौर पर अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान जैसी अपने एडवर्सरीज के काउंटर में तैयार किया है और इस मिसाइल का नाम है वासोंग 16B, जो कि नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर डेटरेंट का हिस्सा है। जबकि साउथ कोरियन मिलिट्री ऑफिशियल्स का मानना है कि नॉर्थ कोरिया अपने इस मिसाइल के टेस्ट की सफलता और इसकी ओवरऑल कैपेबिलिटी के बारे में कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। और हाँ, ये एक इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। लेकिन हाँ, नॉर्थ कोरिया ने दावा किया कि उनकी जो ये नई ब्रांड न्यू वासोंग 16B मिसाइल है, तो इसमें एक न्यूली डेवलप्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को फिट किया गया है। बाकी एक बड़ा प्रश्न जरूर बनता है कि नॉर्थ कोरिया जो एक के बाद एक इस तरह की मिसाइल्स के टेस्ट किए ही जा रहे हैं, तो इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजीज का एक्सेस नॉर्थ कोरिया के पास आ कहां से रहा है। कजाकिस्तान में आयोजित SCO मीटिंग के साइडलाइंस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल ने अपने कजाकिस्तान काउंटर पार्ट के साथ बायलेटरल टॉक्स भी कंडक्ट करी थी, जिसमें दोनों देशों के बीच के मौजूदा कोऑपरेशन को और मजबूत कर रहे और साथ ही साथ कुछ नए क्षेत्रों में इनिशिएटिव्स लॉन्च करने का डिस्कशन भी किया गया। और जबकि SCO मीटिंग के दौरान NSA अजीत डोवाल ने SCO रीजन में टेररिज्म को काउंटर करने पर मुख्य रूप से फोकस किया और साथ ही साथ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ जरूरी कार्रवाई करने का भी आह्वान किया। और उन्होंने इस बात को भी हाईलाइट किया कि किसी भी तरह का टेररिज्म, जिसमें क्रॉस बॉर्डर इंसिडेंट्स भी आते हैं, तो वो हमेशा ही अनुचित है और साथ ही साथ डबल स्टैंडर्ड से दूर रहने और उन लोगों को जवाबदेह बनाने की आवश्यकता पर भी जोर डाला गया है जो कि आतंकवाद को स्पॉन्सर करते हैं, उन्हें फाइनेंस करते हैं और उनकी मदद करते हैं। वैसे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा करने वाला कौन है। और साथ ही साथ NSA अजीत डोवाल ने पाकिस्तान में पनप रहे कई सारे आतंकी संगठन जैसे कि लश्कर, जैश, तो उनकी तरफ से लगातार उत्पन्न होने वाले खतरे के इशू को भी रेज किया था। और जबकि चीन को एक संदेश देते हुए NSA अजीत डोवाल ने इस बात को हाईलाइट किया कि SCO मेंबर स्टेट्स की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हुए कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स उसी के अनुसार होने चाहिए। और साथ ही साथ NSA अजीत डोवाल ने आतंकियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले टेक्नोलॉजी को काउंटर करने की जरूरत पर भी जोर दिया है। और इन टेक्नोलॉजीज में खासतौर पर ड्रोन्स आते हैं, जिनका इस्तेमाल आतंकी संगठन सीमा पार से वेपन्स, ड्रग्स, इन सबकी स्मगलिंग के लिए कर रहे हैं। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2018 में जम्मू कश्मीर के कृष्ण घाटी सेक्टर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सिपाही MS सूर्यकांत ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज भारत के वन ऑफ द बेस्ट मिलिट्री कमांडर फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की बर्थ एनिवर्सरी भी है। और जबकि आज आर्मी की मेडिकल कोर का 260वां रेजिंग डे भी है। और आज ही का वो दिन है जब 1984 में विंग कमांडर राकेश शर्मा स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय नागरिक बने थे। तो चलिए, आपके लिए आज का प्रश्न ये है कि विंग कमांडर राकेश शर्मा किस रॉकेट की मदद से स्पेस में गए थे। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एक्सप्लोर करें डिफेंस की दुनिया को एक अलग तरह से। बाकी जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।